मैं चाहूँ तो लटक लूँ, लेकिन लटकूंगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा अपने यूट्यूब चैनल भूखे पेट में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आया हूँ लखनऊ जिले में जो इटौंजा क्षेत्र पड़ता है। तो इटौंजा में हमने कहा क्यों ना आपको आम के बागीचे यहाँ दिखाई जाए, और यहाँ पर तरह तरह के आम के पेड़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए इतने नज़दीक, जैसे मैं कहीं पर चढ़ने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे हाथ से आराम से पा जा रहा हूँ आम। और यहाँ पर कई वैरायटी के आम हैं, तो जो यहाँ के ऑनर हैं जिनका ये बाग है, तो मैं उनसे भी मिलूँगा, बात करूँगा कि यहाँ पर किस किस तरीके के आम हैं। और दोस्तों, ये मैं बताना चाहता हूँ, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इस जगह से आम मलिहाबाद माल लखनऊ क्षेत्र से ऑल वर्ल्ड में आम जाता है, और यहाँ पर कई क्वालिटी के आम आपको भी दिखेंगे। और मैं आपको जो यहाँ के ऑनर हैं, जो इस खेत के मालिक हैं, मैं उनसे मिलूँगा, जो इस बाग के मालिक हैं, और किस तरह से कैसे का यहाँ पर पेड़ों की सेवा करते हैं, और कैसे यहाँ पर ये जीवन यापन कर रहे हैं अपना भी। तो आइए, चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने अभी आपको ये देखिए आम के पेड़ लगे हुए हैं, ये सारे दशहरी आम के पेड़ बन लगे हुए हैं। दशहरी आम आप जानते हैं कि टोटल मीठा आम होता है ये, आपने एक आम खा लिया तो मज़ा आ जाता है। आओ अम्मा जी, राम राम। ये देखिए यहाँ पर आम तो हैं, साथ में कटहल के पेड़ भी लगे हुए हैं, और एक नहीं दो नहीं, लगभग 6-7 पेड़ कटहल के भी लगे हुए हैं। ये देखिए सारे पेड़ आम के हैं, एक भी पेड़ कोई दूसरा नहीं है, कुछ पेड़ कटहल के लगे हुए हैं। ये देखिए इतने नज़दीक कटहल के पेड़, ये देखिए ये कटहल, वाह भाई वाह, ये कटहल। तो कटहल तो है ही है, यहाँ पर आम जो मैं आपको दिखाने आया हूँ आज। दादाजी, कैसे हैं आप? क्या नाम है दादाजी आपका? बंशीधर। दादाजी, यहाँ पर आम के पेड़ आपके हैं? नहीं, खरीदी है। खरीदा है? अच्छा, आपने बटाई में लिया होगा? नहीं। अच्छा, ठेके पर ले लिया आपने। तो यहाँ पर कौन कौन वैरायटी के आम है? और देसी नहीं है, खाली दशहरी आम मीठा वाला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आप यहीं पर रहते भी हैं? तो पूरी फैमिली यहीं पर रहती है और आपको देखभाल कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और यहाँ से जो आम मतलब जो उग रहा है, तो क्या बेचने कहाँ बाजार जाते हैं, मंडी वगैरह जाते हैं? मंडी भी जाते हैं। अच्छा, तो ये कहाँ पर? लखनऊ गल्ला मंडी में सारा आम जाता है। तो इस ट्रैक्टर में लोड होकर पूरा आम जाता होगा? ट्राली से। तो एक दिन में लगभग कितना आम हो जाता है, मतलब गिर जाता है या कितना आम तोड़ते हैं? अच्छा, कम हो गया, 4-5 कैरेट, 4-5 कैरेट जाता है। तो 4-5 कैरेट में कितना किलो हो गया लगभग? ताजा आम तो 4-5 मतलब हो 50-60 किलो हो जाता होगा, ज़्यादा हो जाता होगा। 8 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल आम पर डे ये बाजार बेचते हैं दादाजी। बहुत अच्छा। और आप कुछ हम बताइए यहाँ के विषय में, कुछ खास चीज़ हमें बताइए जो मैं आपका। कटहल हैं। अच्छा, कटहल हैं। अच्छा, 40-40 किलो तक कटहल, एक कटहल मतलब एक कटहल का वजन 40 किलो। आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मोटा वजन। अच्छा, इसमें आइए मैं कटहल भी दिखाता चल रहा हूँ साथ में आपको। ये देखिए बहुत ही बिग साइज का कटहल, एक कटहल कम से कम 30-35 किलो ये कटहल होगा, 1-35 किलो के आसपास कटहल। ये देखिए कितना नीचे कटहल लगे हुए हैं। तो दादा, टूटे हुए आम नहीं है कुछ खाने आने के लिए हैं? अच्छा। ये देखिए, ये यहाँ टोटल कितना पेड़ होगा दादाजी? पूरे टोटल आम के पेड़ कितने होंगे क्वांटिटी में? 120। वाह भाई वाह, 120 पेड़ आम के, भाई वाह, गजब हो गया भाई। हम तो भाई अपनी इतनी उम्र में पहली बार आए हैं, और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये यहाँ पर ये रहते हैं, ये घर है, आप देख सकते हैं कि इतना सब मेहनत करने के बाद पेड़ों की भी सेवा कर रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर।
तो बहुत आनंद आता है खुली जगह पर रहने का। वाह भाई वाह, ये देखिए ये कटहल का पेड़ ये लगा हुआ है। तो टोटल टोटल कटहल के पेड़ कितने होंगे यहाँ पर? हाँ कटहल के 10 पेड़ कटहल के हैं। ये देखिए, अब मैं चाहूँ तो लटक लूँ, ले लटकूंगा नहीं। हाँ ये देखिए कितना हैवी, ये कितना वजन होगा इसका? अच्छा इस साल छोटा हुआ, पानी नहीं पाया क्या ये? ये देखिए एक कटहल के पेड़, ये एक कटहल कितना बड़ा ये। ओहो भाई वाह। भाई वाह भाई वाह। तो अब चलते हैं, अब हम लोग एक दो आम दादा से मांग करके टेस्ट करते हैं कि इनके बागीचे का जो आम है कैसा है। आइए इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था वो दशहरी आम नहीं था, वो देसी आम का दिखाया था। तो हाँ दादा जी, कबूतर भी पाला है क्या आपने? ये देखिए कबूतर भी पाले हुए हैं इन्होंने। वाह भाई वाह, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ ओ हो आओ आ जा आओ, काटना नहीं काटना नहीं, आ जाओ। वाह भाई वाह भाई वाह, मजा आ गया भाई। अच्छा गाय वगैरह भी आपने पाली है? ये देखिए गौशाला भी है। तो ये देखिए दशहरी आम ताजे टूट कर आए हैं, तो आप देख सकते हैं। देखिए ताजे आम खाने का कुछ आनंद ही अलग है। ये अभी भैया तोड़ के लाए हैं हम लोगों के लिए, तो देखते हैं एक दो आम खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो ये एक काम मैं लेता हूँ। देखिए देखने में तो हरा है लेकिन अंदर पका होगा ये। और लूज कर लेते हैं आम को थोड़ा सा भाई, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ कि आम को लूज कर लिया और आराम से चक्कू से काटने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं क्या कहूँ इसके लिए, टोटल शहद आप समझ लीजिए। इतना मीठा आम है, इतना मीठा आम दशहरी आम। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आम पूरा ऑल वर्ल्ड में जाता है। ये आपने शायद नाम सुना होगा मलियाबादी आम, ये माल जिले माल और मलियाबादी आम बहुत फेमस है। तथा इधर का आम तो बताते हैं बहुत हर जगह जाता है, इधर का जो आम है दिल्ली बम्बई जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दोस्तों ये रही हमारी आज दशहरी आम वाली वीडियो जो गांव में मैंने आकर बनाया यहाँ पर। तो यही से मैं अपने वीडियो का अंत करता हूँ। आज हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।